हेलो गाइस, तो देखिए हम बना रहे हैं दही के आलू। ये हमने आलू लिए हैं, ये छोटे छोटे आलू थे हमारे, तो मैंने इसको छील लिया है। छील कर इसको मैंने धो भी लिया है, आप देख सकते हो। इसमें अभी पानी भी है, देखिए कितना साफ पानी आ रहा है। इसको मैंने धो लिया है। अब करते हैं हम अपना मसाला तैयार। तो देख सकते हैं ये हमारा लहसुन और प्याज है। हम इसका एक झाड़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। देखिए नीचे हमारा लहसुन है और ये हमारा प्याज है, और इसका एक हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हम अपना गैस पे पतीला रख देंगे। अब जब तक हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें हींग का तड़का लगाएंगे। क्या है? आगे लग रही है। अंदर चलो। देख सकते हैं गाइस, तेल हमारा धुआं दे रहा है, कितने अच्छे से ये हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे ये हींग। ये डाल दी मैंने हींग इसमें। अब इसमें जाएगा ये हमारा जीरा। अब जाएगा ये हमारा लहसुन प्याज। देखिए इसमें जाएगा अभी ये लाल मिर्च पाउडर।
अब जाएगी ये हल्दी पाउडर, इसमें बहुत सारा दही के आलू में हल्दी पड़ती है। अब जाएगा हमारा धनिया पाउडर, अब जाएगा हमारा नमक स्वाद अनुसार, इन सब चीजों को अच्छे से पानी डाल के चला लेंगे। देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है और इन सब चीजों को अच्छे से चला भी दिया है। अब हमारा मसाला भुनेगा, जब तक इंतजार करते हैं। तो देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये अपने आलू, ये है हमारा पानी, अभी सालों में डालेंगे हम पानी। अब हमारे आलू गल जाएंगे, फिर हम आगे बताते हैं। तो देखिए गाइस, ये है हमारा बेसन, तो इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे और ये डालेंगे हम दही के आलू में, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं इसका एक पतला सा बैटर कर तैयार करते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने एक पतला बैटर तैयार कर लिया है। और हमारे आलू सब गल जाएंगे, फिर हम आगे आपको बताते हैं ये कब डालना है। तो देख सकते हैं गाइस, आलू हमारे अच्छे से ये गल गए हैं, तो हम इस कुरई की सहायता से फोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सारे आलुओं को तोड़ लेंगे।
देखिए तो हम बता रहे थे स्टेप को फॉलो करना है। तो ये हमारा बेसन का घोल तैयार है। ये हमारा ये इसमें अब हम ये छाछ डालेंगे। देख सकते हैं आप ये छाछ, सीधे करके दिखाती हैं, देखिए ये ठंडी गाड़ी छाछ है। देख सकते हैं मैंने ये दही भी लिया है, देखिए तो देख सकते हैं ये हमारे दही के आलू कितने अच्छे बन करके तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी रीजन पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसी में डालेंगे ये जो सीक्रेट चीज़ मैंने बताई थी, वो है ये बेसन का घोल। हम इसी वक्त इसमें बेसन का घोल भी डाल देंगे। अब हम रख देते हैं पतीला गैस पर इसको पकने के लिए, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है तो इसको लगातार चलाते रहिएगा। तो देख सकते हैं गाइस ये हमारे दही के आलू बहुत अच्छे से खोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। कैमरा में पास से करके दिखाती हूँ, देखिए ये हमारे अच्छे से पक गए हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है और किस तरीके से बनती है। हमारा बताने का तरीका गलत है, ये आपका सही है, वो मुझे बताएं, फिर हम उसी तरीके से रेसिपी बनाया करेंगे। आपको लग रहा है कि ये गलत तरीके से बना रही हैं तो मुझे बताएं, हम उसी तरीके से आपको बना करके बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ भी ये बहुत गाढ़े बनते हैं, गाढ़े नहीं बनते हैं सॉरी। ये हमें किसी को ये गाढ़े अच्छे लगते हैं और किसी को पतले, तो मुझे ये पतले ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इसको चम्मच से खाने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए गाइस हमारे मठे दही की सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसमें डाल रहे हैं हम ये गरम मसाला, देख सकते हैं आप इस तरीके से, इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और हमारा टेस्ट भी बढ़ जाता है, देख सकते हैं आप।
कितने सुंदर कितने बढ़िया बने हैं। इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया इस दही के आलू के साथ। तो हम बना रहे हैं ये चावल, देख सकते हैं। अब अपने हम चावल ये बनने के लिए रख देते हैं। अब गैस पर हमने ये चावल चढ़ा दिए हैं और अपना ढक्कन भी इसको हम डाल देंगे। तो देखिए गाइस, इसमें मैंने हरे धनिया डाल दिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और इतने अच्छे हमारे टेस्टी। इसमें आप देख सकते हैं हमारे घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दही के आलू की, और बहुत टेस्टी बने हैं ये। वहाँ हमारे चावल पक रहे हैं पतीले में, यहाँ पे हमारे दही के आलू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारे चावल पक जाएंगे जब हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारे चावल भी बनकर तैयार हुए हैं, दही के आलू और चावल। खाने में तो बड़ा मस्त ही मज़ा आता है। देख सकते हैं ये हमारे दही के आलू हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।